बाद में, कई शताब्दियों के बाद में भी लोगों ने वहां पर देखे। तो स्थान का प्रभाव ऐसा होता है कि स्थान पर आकर के बैठे तो कोई मूर्ख भी पंडित बन जाए, वो भी परम विद्वान बनकर के विराजमान हो जाए, ये स्थान की महिमा है। इसी प्रकार कुछ स्थान ऐसे होते हैं बाय बाय, जहां पर कोई भला आदमी भी चला जाए तो उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाए। ये स्थान भी घंटी देव्या एव एष अपूर्व कोप प्रसाद, इस दान घाटी की ये घट्टी देवी है, इनका ही ये कोई अपूर्व प्रभाव है कि ऐसे धर्मात्मा भी आप यहाँ आए हो और आपके ऐसी बुद्धि हो गई है। आपका दोष नहीं है, ये इस स्थान का दोष है। बोले गिराज महाराज की जय, कहाँ दान घट्टी, कैसी उल्टी, निंदा ही स्तुति हो रही है, स्तुति ही निंदा हो रही है यहाँ पर। तो कह रहे हैं ये घट्टी देवी कि तुमने जो सेवा की है, इस दान घाटी की जो सेवा की है, उसका ये प्रभाव है कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो रही है। ये सकुल कुमारों की धूर्त धुरीणाम, आप सकुल कुमार होकर के भी धूर्तों में धुरीण होकर के सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हो गए हो, धूर्त धुरीण होकर के विराजमान हो गया। सृष्ट विश्वापने कांचन विद्या झटक अध्यापितोसी, इस घट्टी देवी ने तुमको भी जगत को विस्मित कर देने वाली कोई विद्या, छल की जो विद्या है उसको अध्यापितोसी तुमको पढ़ा दिया है और उसका ये प्रभाव है। तुम्हारा दोष नहीं है, सारा दोष तो बस इस धाम का है, इस स्थान का है, उसके कारण ही तुम में इतना छल आ गया है। श्री कृष्ण उस समय क्रोध करते हुए कह रहे हैं, घट्टा अधराज मोमत्ति विवाद में वो युएव यथाचत शुल्क मदिस्समाना मन्ये विदिस्सतरत गिरिस्तटेशु दुर्गेशु हंत विश्वेशु रणाभि युगम। तुम घट्टाधराज, इस दान घाटी का अधिपति, मैं मेरा अवमत्य अपमान करके मेरे साथ में तुम विवाद कर रही हो और शुल्क देना नहीं चाहती हो। आचरण तुम्हारा जो आचरण है और शुल्क समाना, शुल्क देना तुम चाहती नहीं हो, इससे ये बात स्पष्ट है कि गिरिस तटेशु, इस गोवर्धन के तट में, दुर्गेशु मेरे जो दुर्ग हैं, उन दुर्गों में विश्वेश रणाभियुगम, तुम मेरे साथ में विषम रण करना चाहती हो। अतः अर्थात विषम इशु माने समसंख्या में जो नहीं है ऐसे बाण वाले का युद्ध करना चाहती हो। पंचवान माने कामदेव, कामदेव का नाम है पंचवान, और इनमें जो और संख्या वाला है उसको कहेंगे विषम, समसंख्या वाला जो है उसको कहेंगे अविषम। तो विषम इशु माने बाण, जिसके विषम बाण है, ऐसे युद्ध को करना माने काम युद्ध को तुम करना चाह रही हो। ये दहरी तलवार चल रही है और कह रही है तुम करवट देना नहीं चाहती हो, इसका मतलब मुझसे युद्ध करना चाहती हो, मैं युद्ध के लिए भी तुमको चुनौती देता हूँ। ऐसे कहकर के श्री श्याम सुंदर युद्ध करने के लिए जब प्रवृत्त हो रहे हैं, सारी गोपी हंस रही है, ऐसे वाद युद्ध युगल सरकार का परम रस्म है, विराजमान है और सखीगण उसका आस्वादन दे रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि, जय गौर हरि, जय श्री राधे श्याम।